सैमसंग फ़ोन बजाज फाइनेंस लॉक। तो आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि बजाज फाइनेंस वाले जो फ़ोन होते हैं उसमें लॉक लग जाता है या उसमें अलग ईमेल आईडी ऐड करते हो तो नहीं होता। तो इसका मॉडल नंबर ऐप मैं यहाँ पे चेक करा दे रहा हूँ, सैमसंग गैलेक्सी A04 ही है। तो यहाँ पे इसमें जो है नया ईमेल आईडी ऐड करोगे तो आपका नहीं हो रहा है। तो आप प्ले स्टोर में बार बार जाके बनाते हो, नहीं होता, वर्क नहीं करता। तो इससे कैसे ठीक करना है, यहाँ पर देखिए मैं एक ईमेल आईडी नया साइनअप कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो इससे आप कैसे जो है फिक्स करेंगे इस प्रॉब्लम में, यहाँ पर दिखा रहा है वर्क ईमेल आईडी। तो वर्क ईमेल आईडी यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे इसमें ऑलरेडी ईमेल आईडी था, वो ले नहीं रहा, पासवर्ड फॉरगेट भी करके देख लिए। यदि इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है या फ़ोन लॉक भी हो गया है तो कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है, इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए। तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपको फ़ोन को एक बार रीसेट करना होगा। रीसेट करने से पहले आप अपने फ़ोन को लॉक लगा लीजिए, स्क्रीन लॉक नहीं लगा तो लगा लीजिए। फिर उसके बाद आपको कम्प्लीटली फ़ोन को रीसेट करना है, या तो सेटिंग में जाके कर दीजिए या तो वॉल्यूम अप और पावर की हेल्प से करना है। तो चलिए मैं आपको कुछ ट्रिक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने सारे जो है चीज़ों को एक एक करके ट्राई कर लिया। तो यहाँ पे चेकिंग इन्फॉर्मेशन में फिर से वही हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें नया ईमेल आईडी क्रिएट भी नहीं हो रहा है और ये पुराना वाला भी इसमें नहीं ले रहा है। तो ये यहाँ पे नहीं हो रहा है कैप्चर, हमने सारा कुछ करके देख लिया, नहीं ले रहा है। और काफ़ी सारे यूज़र बहुत सारे परेशान रहते हैं सैमसंग के FRP लॉक को लेके, सैमसंग FRP लॉक A04E। तो यहाँ पे हमने इसे जो है अकाउंट सेटिंग को भी रीसेट करके देख लिया और अलग अलग चीज़ों को करके भी देख लिया, नहीं हो रहा है। हाउ टू बाईपास, हाउ टू अनलॉक सैमसंग अकाउंट और सैमसंग FRP गूगल बाईपास, एक्शन नॉट अलाउ, यहाँ पे नहीं ले रहा है। फैक्ट्री रिसेट में एक्शन नॉट अलाउ, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। और ये नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का लॉक एक्टिवेट है, इसी वजह से ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसे आपको ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इसमें कर दिया जाता है, इसी वजह से ये बजाज फाइनेंस वाले फ़ोन में इस तरह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारे यूज़र भी फाइनेंस पे फ़ोन ले लेते हैं फिर उसे खोल नहीं पाते और भरते नहीं हैं EMI, इसी वजह से ये सब फ़ोन लॉक हो जाते हैं। तो ये अभी शॉप पर आया था तो मैंने सोचा आप लोग को ये वीडियो दिया जाए ताकि आप लोग इसे जो है ठीक कर पाओ। तो आपको सबसे पहले फ़ोन को ऑफ कर लेना है और वॉल्यूम अप और पावर की हेल्प से यहाँ पे ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफ करेंगे, ऑफ हो गया है। अब फ़ोन को आपको वॉल्यूम अप और पावर की को एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने रिकवरी मेन्यू खुलेगा। रिकवरी मेन्यू अभी नहीं आया, फिर से प्रेस करेंगे, नहीं हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। और वॉल्यूम अप आपको प्रेस करके ही रखना है, पावर की को आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमने कर दिया है, यहाँ पे रिलीज़ है वॉल्यूम अप, अब इसे भी छोड़ देंगे, आपके सामने फैक्ट्री रीसेट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, देखिए सैमसंग गैलेक्सी हो गया है ऑन UI। यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट इसे करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम डाउन की और पावर की के हेल्प से इसे नेक्स्ट करके यहाँ पे वॉल्यूम डाउन की के फैक्ट्री रीसेट कर देंगे। साथ ही साथ इसमें जो भी ईमेल आईडी और जो भी डाटा होगा इरेज हो जाएगा और आपका फ़ोन जो लॉक बता रहा है वो भी खुल जाएगा। और ये हो जाने के बाद आपको फ़ोन को लॉक अनलॉक कर देंगे, आपका फ़ोन डेफिनेटली खुल जाएगा। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उसके ऊपर भी आपको सोल्यूशन दूंगा। PC के माध्यम से भी करना है जो है अनलॉकिंग टूल, और बहुत सारे ऐसे ऐसे टूल हैं जिससे आप लोग कर सकते हैं। अनलॉकिंग टूल हुआ और सैमसंग के अदर टूल आता है उसमें भी आप फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा, आपका फ़ोन थोड़ा वेटिंग में, उसके बाद आपका फ़ोन प्रॉपरली ऑन होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। और जो लोग चैनल पे काफ़ी दिनों से एक्टिव हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखे, भाई आप लोग कर लो, कितना बताएंगे, आप लोग कर लेते हो तो अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक बहुत कम ही लोग कर रहे हैं, वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करो ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँ। तो यहाँ पर ये हो चुका है कम्प्लीटली ऑन, देख सकते हैं, और इसमें गूगल अकाउंट लॉक आ चुका है। तो ईमेल आईडी पासवर्ड तो पता है, हम यहाँ पर बाईपास कर लेंगे इसे। यदि नहीं हो रहा है तो आपको PC का हेल्प लेना होगा और नहीं तो ट्रिक यूज़ करना होगा। काफ़ी लेंदी ट्रिक हो जा रहा है आजकल सैमसंग विदाउट मेथड जो है, विदाउट PC बाईपास करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है लॉस होता है। तो आप लोग PC का हेल्प लेंगे तो फाइनली टूल के हेल्प से आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये ऑन होने वाला है, तो ये सेटअप कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी